दोस्तों, अगर आपने इविलन और मिस्टर मीट का पार्ट 1 और 2 अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लें, नहीं तो ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में हमने देखा कि गुल्ली बुली, बाबा रॉड और बन्नू उस कुएं के अंदर कूदकर एक दूसरी जगह पर आ जाते हैं, जहां उन्हें एक टॉकिंग ट्री मिलता है। बाबा उस ट्री से बात करते हैं और उन्हें वो ट्री बताता है कि इविलन और मिस्टर मीट को उसने देखा है शॉन और मन्नू को ले जाते हुए, और वो ट्री उन्हें एक नदी का रास्ता बताता है। और दूसरी तरफ इविलन और मिस्टर मीट ने शॉन और मन्नू को मकड़ी के जाले के अंदर कैद किया होता है और वो लोग शॉन और मन्नू को मारने की तैयारी कर रहे होते हैं। इधर वो लोग उस नदी को पार करने लगते हैं, लेकिन नदी के बीच में आते ही उस नदी का पानी लावा में बदलने लगता है और उनकी बोट में आग लग जाती है। चलिए अब आगे की स्टोरी देखते हैं। और अरे, ये तो एक ड्रैगन है। वो ड्रैगन इस बोट पर लगे आग को बुझा देता है और वो ड्रैगन अपने पंजों से उस बोट को उठा लेता है। शायद ये ड्रैगन उन्हें बचाना चाहता है। बाबा, ये ड्रैगन कैसे आ गया यहाँ पर और ये हमें बचा क्यों रहा है? बाबा कहते हैं, ये तो मुझे भी नहीं पता है रॉड। और थोड़ी देर में वो ड्रैगन इन लोगों को नदी के किनारे आकर उतार देता है। बन्नू कहता है, बच गए हम बाबा। बाबा कहते हैं, आखिर ये है कौन रॉड और इस ड्रैगन को हमें बचाने के लिए किसने भेजा? तभी एक बूढ़ा आदमी इनके सामने आ जाता है। वो ड्रैगन मैंने भेजा था। तुम लोग उस लावा की नदी में क्या करने गए थे? क्या तुम्हें पता नहीं वो नदी कितनी खतरनाक है? तभी बाबा उस आदमी को सारी बात बताते हैं। वो आदमी कहता है, इविलन और मिस्टर मीट तुम्हारे साथियों को इस जंगल के बीच अपने ठिकाने पर ले गए होंगे। जल्दी जाकर अपने साथियों को बचा लो, नहीं तो वो लोग उन्हें मार डालेंगे। बन्नू कहता है, बाबा हमें जल्दी जाकर उन्हें बचाना होगा। इधर इविलन और मिस्टर मीट डांस कर रहे होते हैं। मिस्टर मीट कहता है कि इविलन, तुम्हें याद है हमें एक और काम है? मुझे याद है मिस्टर मीट, हमें जेसन को जिंदा करना है और उसके लिए हमें 3 जादुई पत्थरों की जरूरत होगी। क्यों ना वो 3 जादुई पत्थर इन दोनों के साथियों से मंगवा ले? ये अच्छा रहेगा मिस्टर मीट। तभी रॉड और बाबा यहाँ पर पहुंच जाते हैं। रॉड तभी उन दोनों स्पाइडर को फ्रीज कर देता है। तभी मिस्टर मीट शॉन और मन्नू को एक एक इंजेक्शन लगा देता है और वो दोनों ज़ॉम्बीज में बदल जाते हैं। अब लोग बना दिया मैंने इन दोनों को ज़ॉम्बीज। सुनो बाबा रॉड, अगर तुम लोग अपने इन साथियों को वापस चाहते हो तो तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। बाबा कहते हैं, हम क्यों तुम्हारा काम करेंगे? चुपचाप हमें वापस कर दो हमारे साथियों को। अगर मैंने इन्हें खोल दिया तो ये तुम दोनों को ही खा जाएंगे। और इसलिए तुम्हें हमारा काम करना ही होगा। इन्हें वापस इंसान में हम ही बना सकते हैं। अब सुनो, हमें 3 चीजें चाहिए और वो चीजें हैं नागमणि, रहस्यमय पत्थर और जीवन पत्थर। ये 3 चीजें हमें लाकर दे दो, नहीं तो हम मार डालेंगे तुम्हारे इन दोनों साथियों को। और ये सब कुछ गुल्ली बुल्ली और बन्नू देख रहे होते हैं। रॉड कहता है, बाबा अगर हमने इनकी बात नहीं मानी तो ये मार देंगे इन्हें। ठीक है इविलन, लेकिन तब तक इन दोनों को कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये लो मैप, ये तुम्हारी हेल्प करेगा उन 3 चीजों को ढूंढने में। उन 3 चीजों के मिलने के बाद तुम इसी जगह पर वापस आ जाना, हम तब तक यहाँ से गायब हो रहे हैं। और इविलन और मिस्टर मीट के साथ साथ वो पूरी की पूरी जगह वहाँ से गायब हो जाती है और गुल्ली बुल्ली, बाबा रॉड और बन्नू वहाँ से निकल जाते हैं। बाबा कहते हैं, पहली चीज क्या है और कहाँ मिलेगी गुल्ली, जरा नक्शे में देख कर बताओ। गुल्ली कहता है, बाबा पहली चीज जो हमें ढूंढनी है वो है नागमणि, और ये नागमणि हमें यहाँ से 1/2 घंटे की दूरी पर मिलेगी। बुल्ली कहता है, तब तो बाबा इसकी रक्षा जरूर कोई नाग करता होगा। रॉड कहता है, चिंता मत करो तुम बुल्ली, अगर हम सब लोग मिलकर लड़े तो हम किसी को भी हरा सकते हैं। और थोड़ी ही देर में ये लोग उस मैप के सहारे एक जगह पर पहुंच जाते हैं। बाबा, इस जगह पर पहुंचना तो बहुत ही आसान था, मुझे तो शुरू में लगा था यहाँ पहुंचने में बहुत खतरा होगा। यहाँ पर तो एक बहुत बड़े सांप का स्टैच्यू है और बाबा उसके अंदर देखिए, एक चमकता हुआ पत्थर तैर रहा है हवा में। लगता है वही नागमणि है। और रॉड दौड़ते हुए उस स्टैच्यू के पास आने लगता है, लेकिन तभी बाबा देखते हैं कि ऊपर रखी मूर्ति जिंदा हो रही है
बाबा कहते हैं ये तो एक नागिन है गुल्ली बुली और बन्नू, शायद यही खतरा है यहाँ पर। और बाबा रॉड से कहते हैं कि रॉड जल्दी वापस आ जाओ। क्या हुआ बाबा? और वो नागिन रॉड को काट लेती है और रॉड वहीं नीचे गिर जाता है। तुम्हें क्या लगा इस नागमणि को तुम ऐसे ही चुरा लोगे? तुम उस तक कभी नहीं पहुंच सकते हो, उस तक पहुंचने से पहले तुम सभी मारे जाओगे। बाबा अब क्या करेंगे हम, रॉड कहीं मर तो नहीं गया? तो दोस्तों अब क्या होगा आगे की स्टोरी में, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस कहानी का पार्ट 4। पार्ट 4 देखने के लिए इस वीडियो के नीचे पार्ट 4 कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि जैसे ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं तो आप उसको सबसे पहले देख सकें।